कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उन्होंने कई बातें कही। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सफाई आदमी क्यों देता है जब कुछ आरोप करता है? आरोप अगर निराधार थे तो सफाई की जरूरत क्या थी? बार बार बोलना पड़ रहा है हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, तो आपके प्रमुख नेता, आपके मध्य प्रदेश के मंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया है आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ, संविधान की जड़ों को खोखला करने के लिए गरीब, दबे हुए किसान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब लोगों के विरोध में सरकार काम कर रही है। अब धीरे धीरे जो काम पहले धीरे धीरे हो रहा था अब तेज गति से हो रहा है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी साख बचाने के लिए नाना प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष की नकल कर उपवास कर रही है। सरकार ने सुयोजित तरीके से जो हिंसा होने दी राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो पासा उल्टा पलट गया है और कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। राहुल जी के नेतृत्व को जनता स्वीकार कर रही है और इसी से बौखला कर अनाप शनाप स्टेटमेंट भाजपा के नेता। आपको बता दें सचिन पायलट ने बीजेपी पर कई तरह से आरोप भी लगाए। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।